पास किया गया था, औरंगाबाद माथाड़ी व असंरक्षित कामगार मंडल 6/4/2010 रोजी झालेल्या बैठकीचा इतिहास वो उसके अंदर उनके जो ठराव पास किया गया था लेबर कमिश्नर ऑफिस के अंदर उनके अधिकारियों के, तो उसके तहत उनका यह तय हुआ था कि 1 मई 2010 पासून नोंदणीकृत कामगारांकडून 30% लेवी आकारली जाते। या लेवीतून माथाडी कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी, घर भाड़े भत्ता, ग्रह कर्ज, आजारपण सणांची रजा, दिवाळी बोनस, पगारी रजा, वैद्यकीय सुविधा, अपघात नुकसान भरपाई अशा विविध सुविधा दिल्या जातात। तसेच मंडळाचा प्रशासकीय खर्चही भागविला जातो। केंद्र सरकारच्या अखत्यारातील रेल्वेच्या माथाडी कामगारांना हा निर्णय लागू नाही। अब ये जो 30% ये जमा किया जाता है, अगर समझ लीजिए किसी माथाड़ी का अगर 1000 रुपये पगार आ रही है, ये मैं आप लोगों से ये वो करूंगा कि अगर मैं इसके अंदर कहीं तो भी गलत अगर जा रहा हूँ तो मुझे आप लोग तो थोड़ा सा करेक्ट करिएगा। भूसा चौष का है उनको भी मिठाई ला के बैठिए, आप भी आके बैठिए। तो अगर मैं 1000 रुपये अगर किसी माथाड़ी का मेहनत का ये हो रहा है तो यानी कि 30% उसका डिडक्ट हो जाता है। अब वो 30% काय के लिए डिडक्ट हो जाता है कि 12% इसके अंदर प्रोविडेंट फंड के लिए जाएगा। जो कानून है, जो किसी भी इस देश के अंदर प्रोविडेंट फंड कानून के तहत कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर 20 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं उनको प्रोविडेंट फंड लागू है, वो कंपल्शन है। इसके अंदर एक छूट यह हो सकती है तो कोई संस्था है उसने ये एग्जेम्पशन ले लिया है कि नहीं हम प्रोविडेंट फंड नहीं ये करेंगे, हमारे तरफ से हमारा एक अलग से नियम बनाएंगे और वो नियम से उसका फायदा हम करवा के लेंगे करके, तो ये सब वो करवा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर पिछले कई सालों से 12% पीएफ रकम जमा हो रही है, उनसे कलेक्ट किया जा रहा है मजदूर से 12% से पीएफ की टोटल 30% जमा हो रही है। कहां जा रही है वो पैसा? वो माथाड़ी बोर्ड के अंदर जमा हो जा रहा है। अब माथाड़ी बोर्ड का काम क्या है कि इसमें से जो जो परसेंटेज जितना जितना है, जैसे ग्रेच्युटी के लिए उनको 2%, 12% उनको पीएफ के लिए और बाकी दूसरे जो 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 चीजें है उसके अंदर उपदान ग्रेच्युटी के लिए 2% है, दीपावली बोनस उनको जो देना चाहिए वो 8.33% है, ऐसा उसका डिस्ट्रीब्यूशन है 30%। ये 30% ये जो माथाड़ी बोर्ड है ये अपने जेब में रख ले रहा है। इसका आज तक कोई पैसा प्रोविडेंट फंड ऑफिस के अंदर जमा नहीं हुआ है। अब हमने कुछ अब ये शिकायत मिली माथाड़ियों के पैसे के साथ, हमने तो हमारा पीएफ काटा जा रहा है, हमसे पैसा लिया जा रहा है, लेकिन हमारे को ना तो हमारे को पेंशन स्कीम है, ना हमको ग्रेच्युटी मिलती है, ना हमको दिवाली का बोनस मिलता है, ना दूसरे कोई स्कीम्स मिलते हैं, मेडिकल स्कीम्स मिलते हैं, कुछ नहीं मिलता है हमने। तो जब मैंने है तो इनसे डिटेल्स मंगाया कि आपका पास कितना पैसा है, आप ये पैसा जमा कर रहे हैं तो ये पैसा कहाँ जा रहा है करके, तो उन्होंने मुझे एक 2017-2018 यानी कि देखिए कि हजारों लोगों का पैसा जमा हो रहा है, हजारों लोगों का पैसा जमा हो रहा है हर साल है, तो किसी भी संगठन के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बंधनकारक होता है कि उन्होंने ऑडिटिंग हर साल को साल करवाना है करके, और उसके ऊपर बोर्ड ने भी ये जिम्मेदारी लेना चाहिए, लेबर ऑफिस ने भी लेना चाहिए। अब मैंने जब उनसे मंगाया तो मुझे बताइएगा कि आप ये कितने आपके पास मजदूर है, कितने आपने पीएफ के अंदर जमा किए हैं, कितने आपने मजदूरों को मदद किए है करके, तो उन्होंने मुझे एक जवाब के अंदर ये सामने आया है कि इनका आखिरी का ऑडिट जो हुआ है वो 2017-2018 का। अब उसके अंदर उन्होंने बताया कि हमारे पास जो है हमारा इनकम कितनी हुई और हमारा खर्च कितना हुआ। तो इनकम उनकी कितनी हुई तो 6,94,469 ये है तो उनकी इनकम हुई, यानी कि माथाड़ी बोर्ड को इतना पैसा 2017-18 का, ये इसका भी बोर्ड का 19-20 या 20-21 का। और उसके बाद उन्होंने बताया हमारे को कि हमारे सैलरी के ऊपर और जो दूसरा खर्च हुआ है उसके ऊपर कितना खर्च हुआ है तो 2,04,33,000 नहीं
नहीं, 2 करोड़ 43 लाख, 2 करोड़ 43 लाख 31,000 मतलब इतने बड़े बड़े रकम है कि वो मुझे भी पढ़ना समझ में आते हैं। बैंक वाले से पूछा, बोला भाई ये कितना है, ये अमाउंट आप लिख लीजिएगा, 2433 14 767। अभी इतनी बड़ी रकम है मुझे भी नहीं पता, जिनसे बैठा उसके अंदर ये कितना हजार होगा, ये लाख होगा, ये करोड़ होगा करके उसके अंदर, ये इतना पैसा उनका उन्होंने कहा कि हमने सैलरी में दे दिए। अब जो उनके पास पीएफ का जो कंट्रीब्यूशन है वो उन्होंने बताया है 3,34,07,235, यानी कि 3,03,47,235, ये इसका पीएफ का, ये पीएफ का है। अब ये पीएफ का पैसा हमने जब पीएफ ऑफिस को लिखे, ये माथाड़ियों का आपके पास पीएफ का पैसा जमा हुआ है जाकर के, मैंने खुद ने एक खासदार की हैसियत से मैंने पीएफ कमिश्नर को लिखा, मैंने लेबर कमिश्नर ऑफिस को लिखा कि साहब इसकी जानकारी दीजिएगा। तो पहला मेरा पत्र तो है वो खामोश बैठ गए। मैंने उनको अभी 4 दिन पहले उनको कायदे कानून के हिसाब से बताया है कि अगर आप किसी एक एमपी के लेटर का अगर जवाब नहीं देते हैं तो उसका कायदा ये कहता है, वो कायदे के अंदर रहे, फिर वो कमिश्नर हो या उनका ज्वाइंट डायरेक्टर हो, डायरेक्टर हो, कोई भी हो, उसमें आपने दबा के रखने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ तो भी है। उन्होंने क्या लिखा है उसके ऊपर देखिए, एक लेटर जो मैं आपको मूसा चौश का एक तारुफ करवा दूँ, ये रेलवे स्टेशन के ऊपर इनका खुद का ट्रांसपोर्ट एंड डॉक वर्कर्स यूनियन है, जो रेलवे के ऊपर मालधक्का है, मालधक्का के ऊपर जितने भी ये माथाड़ी लोग काम करते हैं, इनके खुद के पास 800 के करीब लोग हैं। तो हमने कहा कि आप पता करो कि भाई आप पैसा तो जमा कर रहे हैं, आप इनको दे रहे हैं 30%, आपके 800 लोगों का पैसा है तो 30% डिडक्ट हो रहा है, ये रिटर्न में कहाँ आ रहा है, पीएफ का पैसा कहाँ जा रहा है, इनको ग्रेच्युटी मिल रही है क्या, इनको मेडिकल बेनिफिट्स मिल रहे हैं क्या, दिवाली का बोनस मिल रहा है क्या, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने मुझे तो पत्र का रिप्लाई नहीं दिए, उन्होंने तो इनको रिप्लाई दे डाले हैं, उसकी कॉपी मुझे दे डाले हैं, और उन्होंने बोले हैं कि फर्दर इंफॉर्मेशन इन द मैटर विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, यानी कि इसकी पूरी जानकारी जो है वो हम आपको ड्यू कोर्स के अंदर देंगे करके। The matter involved in your letter, that is applicability and implementation of employees provident fund and miscellaneous provisions of Act 1952 on transport and dock workers union Mumbai who are covered under Mathadi Hamal and other manual workers regulation of employment and welfare act is under consideration. The PF office आपको ये जवाब दे रहा है कि 10 साल से है तो ये Mathadi कामगार जो का बोर्ड जो है ये गोरख धंधा कर रहा है, लेबर ऑफिस को सब मालूम है, पीएफ ऑफिस को सब मालूम है, और आप है तो इस तरह से मतलब ये बोलते हैं कि अंडर कंसिडरेशन, यानी कि 10 साल के अंदर जो माथाड़ी रिटायर हो गया है, जो मर गया है, जो बीमार हो गया है, जिसके घर में परिवार के अंदर परेशानी आई है, उसको कोई बेनिफिट नहीं है, 30% उसकी रोजगार की तुमने है तो रिडक्शन कर डाले और उसको कुछ नहीं, और अब है तो आप 10 साल के बाद है तो 10 के अंदर ये कानून ये हुआ, आपने ही खुद ने लेबर ऑफिस ने इसको पास किया, उसके सिग्नेचर है, और 10 साल के बाद आप बोल रहे हैं कि। अब ये मामला हम डिटेल के अंदर जब गए तो ये पता चला है कि साहब इसका जो पैसा जमा होता है ये माथाड़ी बोर्ड, अभी आप पत्रकारों के लिए आप लोगों के लिए हम ये दे रहे हैं, जो जितना डीप जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसा गोरख धंधा चल रहा है, इसमें जो भी पैसा जमा होता है ये माथाड़ी बोर्ड के जो भी नेता मंडली है वो अलग अलग पार्टियों के होंगे उसमें, लेकिन ये अपने अपने हिसाब से अपने बैंक के अंदर ये पैसा डाल देते हैं। मैं माथाड़ी बोर्ड का चेयरमैन हूँ, मैंने डाल दिया एफडी करवा दिया, ये एफडी का पैसा नहीं है, ये आपके अब्बा की जागीर नहीं है, ये गरीब लोगों का पैसा है, ये आपने तो पैसा लिया और पैसा लेके है तो उसको बैंक के एफडी करवा दिए है करके, आपको 12% के हिसाब से पीएफ तो देना है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग शामिल है, ये एफडी कितने अकाउंट है माथाड़ी बोर्ड के, कौन कौन से बैंक के अंदर अकाउंट है, किसी को नहीं मालूम। मतलब जब से हमने काम करना शुरू किया इस मामले के अंदर, जिस तरह का प्रेशर लाया जा रहा है हमारे को हर तरह से, साम दाम दंड जो जो कर सकते थे, अब हो सकता है कि
इससे पहले वाले जो भी लोग रहे होंगे जिन्होंने इसका मुद्दा उठाया होगा वो दाम से खामोश बैठ गए होंगे, शाम से खामोश बैठ गए होंगे, दंड से खामोश बैठ गए होंगे। अब इम्तियाज अली ना शाम से डरता ना दाम चाहिए ना दंड चाहिए उसके अंदर। तो अब हम जब लगे हुए हैं तो इतना प्रेशर इस ताल्लुक से हमारे ऊपर बनाया जा रहा है कि पीएफ ऑफिस बोलता है कि नहीं उठाना, माथाड़ी बोर्ड कहता है कि ये मुद्दे को यहीं रहने देना, हम सुलझाने वाले हैं। लेबर कमिश्नर का ऑफिस के अंदर तो मतलब ऐसा अंधाधुंध कारोबार चल रहा है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो मेरा आप लोगों से सिर्फ यही अनुरोध है कि ये मुद्दे के ताल्लुक से मैं आपको इसके अंदर जो जो भी सवाल उपस्थित करने का है उनका जो जो भी ये है मैं आपको उसके डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ। हमने जो प्रश्न उपस्थित किए हैं वो प्रश्न के ताल्लुक से हम आपको पूरी जानकारी इसके अंदर दे रहे हैं कि क्या 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 इसके अंदर सवाल उठाना चाहिए। ये देखिए सिर्फ 10,000 मजदूरों का मामला नहीं है, अगर उनके परिवारों को अगर आप जोड़ देंगे कि एक परिवार के अंदर अगर 4 लोग भी है तो आप एक 50,000 1,00,000 लोगों के करीब मतलब लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। और उस मुद्दे को अगर हम नहीं उठाएंगे, उस मुद्दे को हर कोई है तो दबाने की कोशिश करेगा, छुपाने की कोशिश करेगा, तो ये माथड़ियों के साथ कभी भी ये नहीं होगा। ये वो लोग हैं साहब जो मतलब इतनी शिद्दत के साथ मेहनत करते हैं। हम आपको अगर हमने किसी ने कहा कि एक थैला उठा के यहाँ से वहाँ रखो करके, हम रख सकते हैं क्या? देखिएगा ये वो मजदूर है, पूरे लॉकडाउन के पीरियड के अंदर कोई सुविधा नहीं। हमने जब मीटिंग हुई कलेक्टर ऑफिस के अंदर तब इन लोगों की मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाने लगाए, हमने कहा कि कुछ तो जो तुम्हारे है तो रेलवे के बैलेंस आ रहे हैं तुम सबको है तो बोल रहे हैं कि पीपी किट पहनो ये करो, वो माथड़ियों को वैसे ही छोड़ दिया गया था। आखिर में जब मुद्दा उठाया गया था तो ये मामला सिर्फ यहाँ का है, यहाँ के हद तक है नहीं। मतलब इसमें आपके हमें बहुत सारे वो बांट दीजिएगा। मेडिकल इंश्योरेंस के लिए पैसा लिया जाता है, मेडिकल इंश्योरेंस, और मेडिकल इंश्योरेंस के लिए अगर आप जाएंगे आप उनसे पूछेंगे कि आपकी मेडिकल इंश्योरेंस किस कंपनी के साथ है, तो हकीकत ये है कि अगर इनके पास 800 लोग है, 800 लोग का अगर मेडिकल इंश्योरेंस करवाया गया है किसी एक कंपनी के साथ हो गया है उनका, दे दीजिए वो पीछे बांट दीजिए पूरा दे दीजिए। तो अगर अगर मेडिकल इंश्योरेंस करवा रहे हैं अब इनके पास अगर 800 लोग हैं तो ये 800 लोग का इन्हों तो छुट्टी इनके बॉस है तो इन्हों तो 800 लोगों का अगर मेडिकल इंश्योरेंस कटवा ले रहे हैं, वो मेडिकल इंश्योरेंस का पैसा माथाड़ी बोर्ड में चल जा रहा। अब ये नाम के साथ इंश्योरेंस नहीं करवाया जा रहा, रैंडमली क्या कर रहे हैं इंश्योरेंस का के लिए रहता कि साहब आपका कुछ एक्सीडेंट हो गया पैसा वाला खामोश बैठ लेगी, अगर प्रेस वाले अगर नहीं है तो उठेगी। अगर आप रेगुलर इंश्योरेंस किस लिए कराते हैं कि अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तो आपको इंश्योरेंस कवर मिलेगा, अगर आप खुदा ना करे अगर आप मर गए आपकी मौत हो गई है आपके परिवार को उसका बेनिफिट मिलेगा। इंश्योरेंस कुछ इस तरह का कराया जाता है कि किसी नाम के साथ इंश्योरेंस नहीं होता है, रैंडमली यानी कि इनके पास 800 लोग है तो 50 लोगों का एक रैंडम इंश्योरेंस करवा लो, 50 लोगों का विदाउट नेम, विदाउट नेम। कल के दिन इनके पास अगर कोई एक्सीडेंट हो गया उसका नाम डालो और उसका ये बाकी का पैसा गायब, तो ये कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसके साथ ये हुआ? ये सब हर चीज उनके पास पॉलिसी होना चाहिए ना कि भाई हमने है तो 800 लोगों का 8,000 लोगों का हमने कराया है तो ये पॉलिसीज है, पीएफ का पैसा हमारे पास इतना जमा है हमने पीएफ ऑफिस के अंदर जमा करवा दिए। ये सिर्फ अगर आप देखेंगे सिर्फ पीएफ के पैसों की अगर बात करेंगे तो मैं समझता हूँ ये 40-50 करोड़ रुपया तो सिर्फ पीएफ का पैसा है, ये मजदूरों का पैसा है, माथाड़ियों का पैसा है, सिर्फ पीएफ का अगर निकालेंगे। बाकी दूसरी चीज जो 30% के अंदर आ रही है, 30% में से मैं सिर्फ 12% की बात कर रहा हूँ, तो आप सोचिएगा कि पूरा 30% अगर हम काउंट करेंगे तो ये कितने 100 करोड़ के अंदर जाने वाला है। लेकिन ये मामले के अंदर पूरे भाई दौन जितने भी सब लोग रहते हैं वो सब इन्वॉल्व है, उसमें लेबर ऑफिस के अधिकारी पूरी तरह से इसमें शामिल है, पीएफ ऑफिस इसके अंदर पूरी तरह से गुता हुआ है। मैं तो हमने अब ये तय किए हैं हम हमारी तरफ से जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स हम तैयार करके एंटी करप्शन ब्यूरो और पुलिस कमिश्नर के जरिए इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के पास हम दे रहे हैं, क्योंकि ये करप्शन का मामला है, ये करप्ट प्रैक्टिसेस का मामला है।
इन्होंने इन्वेस्टिगेट करके इनके सबके अधिकारियों को जेल में डालो, उनके माथाड़ी बोर्ड के कौन कौन लोग हैं उनको पकड़ के लेके आओ, और हम माथाड़ियों से आपके जरिए ये अनुरोध करना चाहते हैं, ये लड़ाई इम्तियाज जलील की नहीं है, मैं तो आपके लिए सिर्फ मदद करने के लिए आया है। अब पूरे माथाड़ी बोर्ड को आपको एक ताकत के साथ खड़े रहने की जरूरत है। पूरे माथाड़ी जितने भी जिले के अंदर काम कर रहे हैं, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, आप मुझे ताकत देना, मैं आपको ये आपका जितना भी 30% है, आप नहीं है जितनी आप ताकत लगा सकते हैं, मुझे डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, खरीद सकते हैं, जो जो करना चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन ये पैसा ये गरीब लोगों का है, और ये गरीब लोगों का पैसा अगर उन तक नहीं पहुंचा, अगर हम सब खामोश बैठे रहे इसके अंदर, तो हम भी इन लोगों के साथ एक नाइंसाफी कर रहे हैं। मैंने अपने इस प्रेस रिलीज के जरिए आपको दिया, अगर ये मामले के अंदर EOW इसके अंदर अगर दखल नहीं लेता है, अगर इसके अंदर एंटी करप्शन ब्यूरो है तो इसके अंदर खामोश बैठ जाता है, तो हमने हमारे तौर के ऊपर हमने पूरा पेटिशन